हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा सबसे अच्छा दिन है। सुबह सुबह मुझे अच्छी नींद से मतलब जग गया मैं, और मैं फ्रेश होकर बाहर चल दिया गाड़ी लेकर, क्योंकि गाड़ी की नई सर्विसिंग हो चुकी है तो गाड़ी की टेस्टिंग तो करनी होगी ना। तो मैं लेके चला गाड़ी को बाहर की तरफ। मम्मी जब घूमने गई थी तब मम्मी ने कुछ आम लाए थे तो वो आज पक गए, तो यहाँ पर हमें खा रहा हूँ वही आम। वैसे तो मैं टीवी देखते देखते आराम से आम खा रहा था, पर यहाँ पर देख सकते हो काड़ू भी मेरे पैर के पास आकर बैठ चुका है। घर पर बैठे बैठे बोर हो गया तो सोचा यहाँ पर सूरज के पास आ जाता हूँ। यहाँ पर हमने कुछ रील एडिट किए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर गन्ने का जूस सूरज अपने ग्राहक को दे रहा था। यहाँ पर ग्राहक बहुत आ रहे थे पर यहाँ पर गन्ने का जूस ही खत्म हुआ था, मतलब गन्ना ही खत्म हुआ था। तो मैं सूरज को मारने लगा और यहाँ पर उसका भाई गन्ने का जो रस निकालने का डंडी रहती है वो लेके आ जाता है। तो बाद में धनेश बोलता है मंचर जाने, तो यहाँ पर मैं धनेश के घर आ चुका हूँ। यहाँ पर वो कपड़े चेंज कर रहे हैं तो हम लेके जाने वाले उसके दुकान पे ये गन्ने के डंडे। मंचर का काम खत्म करके हम घर निकल ही रहे थे, यहाँ पर देख सकते हो धनेश के हाथ में वाइफर है, वो मैंने लिया है और धनेश ने कुछ कपड़े लिए, तो वो हम लेके आ जाते हैं अवसरी फाटे पे। और यहाँ पर खाने के लिए रुक जाते हैं वड़ा पाव, तो यहाँ पर हम लोग वड़ा पाव खाते हैं और निकल देते हैं घर की तरफ। और फिर घर का काम खत्म करने के बाद मैं जाता हूँ हमारे यहाँ के लड़कों के पास। यहाँ पर हमारा पहले एक क्रिकेट ग्राउंड हुआ करता था, यहाँ पर अभी काम चालू है ट्रैक्टर का। तो हम पहले यहाँ पर बहुत क्रिकेट खेला करते थे, जब बैलगाड़ा शुरू हुआ तो हमारा क्रिकेट बंद हो गया। तो हम मतलब रोज डेली सुबह शाम क्रिकेट खेलने इस खेत में आते थे। तो यहाँ पर कुछ यादें ताजे करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और यहाँ पर आप लोग आगे देख सकते हो ट्रैक्टर भी चालू है शिवा का। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बचपन में जो दिन थे ना वो फिर से आने चाहिए, क्योंकि मजे बहुत आते थे बचपन में। अब सब बड़े लोग हो गए, मतलब बड़े लोग बच्चे हो गए, सब सारे मोबाइल हाथ में आ गए तो सब भूल गए। तो ये चीज मुझे मतलब बुरी लगती है। वैसे मैं भी बहुत ज्यादा फोन यूज करता हूँ, पर कभी कभी लगता है कि बचपन के जो दिन थे वो वापस आने चाहिए। फिर हम लोग हमारे घर के पास यहाँ पर थोड़े मजे करने आ जाते हैं। यहाँ पर ये बच्चन साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं। फिर अगली सुबह यहाँ पर हमें कुछ काम होता है तो यहाँ पर मैं फावड़ा लेकर चल देता हूँ शिवा के बावड़ी की तरफ। तो वहाँ पर हमें होता है थोड़ा काम, तो वो काम खत्म करने के बाद हम लोग नहाने वाले इस बावड़ी में। यहाँ पर हमारा अनिकेत भैया वायरमैन यहाँ पर पैनल बॉक्स फिट कर रहा है, और यहाँ पर शिवा हम लोग देख रहे हैं कि वो कर कैसे रहा है। तो देख सकते हो इतने कष्ट लेकर हमें इस बावड़ी में तैरने के लिए जाना होता है। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।